बिहार के समस्तीपुर से एक बड़ी खबर आई है, जहां समस्तीपुर जिले के सिंहिया थाना क्षेत्र से जहां बथान चौक रणभूमि में तब्दील हो चुका है। पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर ईंट पत्थर चल रहे हैं। बथान चौक पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई है। लोग सड़क पर शव रखकर जमकर आगजनी व नारेबाजी कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दरअसल बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंहिया थाना क्षेत्र के सिंहिया नगर पंचायत निवासी पवन सिंह का पुत्र मोनू कुमार सिंह को सिंहिया थाना के पुलिस ने कुछ दिनों पूर्व सोशल साइट पर पिस्टल लहराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक युवक मोनू कुमार सिंह के कई दिनों पूर्व देर रात्रि में सोए अवस्था में जाकर पुलिस जगह कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। परिजनों ने बताया कि युवक मोनू कुमार सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते ही मारते पीटते अपने गाड़ी में बैठा कर थाने ले आई। लोगों ने बताया कि युवक मोनू कुमार सिंह को पुलिस की पिटाई से हालत संगीन हो गई थी, जिसको लेकर डीएमसीएच दरभंगा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। आखिरकार युवक मोनू कुमार सिंह इलाज के दौरान जिंदगी की जंग को हार गए, जिसके बाद पोस्टमार्टम उपरांत मृतक शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं युवक मोनू कुमार सिंह की मृत शव शाम को जैसे ही सिंहिया पहुंचा, स्थानीय लोगों ने उसके मृत शव को सिंहिया बापू चौक मंदिर के निकट रखकर सड़क पर दरभंगा और ओसरा जाने वाली तिराहे पर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन और नारे लगाने लगे। काफी देर तक शोर शराबा होने के बावजूद प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की सुध नहीं लिए जाने से आक्रोशित होकर बाकी संख्या में लोगों ने सिंहिया थाना के मुख्य द्वार पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध नारा लगाते हुए आक्रोश व्यक्त करने लगा। इस पहले सिंहिया थाना अध्यक्ष विशाल कुमार सिंह के द्वारा कई थाने से भारी संख्या में पुलिस बलों की उपस्थिति करा ली गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पहले से मौजूद पुलिसकर्मी ने विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। बदले में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई किया। दोनों तरफ से हुई भगदड़ की कार्रवाई में कई व्यक्ति सहित पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए। आखिरकार भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती को देखकर आक्रोशित लोगों ने पूरे रात बापू चौक मंदिर के निकट सड़क पर मृत शव को रखकर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारे लगाते रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 5 बजे से सुबह में रोसरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनल कुमारी और रोसरा अनुमंडल के अनुमंडल अधिकारी आकाश चौधरी और रोसरा के सर्किल इंस्पेक्टर अकमल खुर्शीद सहित सिंहिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार शक्तिधर तथा स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा न्याय संगत कार्रवाई किए जाने के आश्वासन पर आक्रोशित लोग शांत हुए। मामले की सत्यता के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक आम लोगों के बीच संशय का विषय बना हुआ है। ये जो है सरासरी कानून व्यवस्था का और कानून अचल व्यवस्था का और बिहार में जो अफसरशाही जो है भ्रष्टाचार जो चरम पे है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एक आज से एक सप्ताह पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था जिसका सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया था, जिसमें बहुत से व्यक्ति का नाम दिया गया था, खासकर युवा वर्ग को का दिया गया था। आशंका के आधार पर मोनू कुमार सिंह को उठाया गया था, जो नगर सिंह नगर पंचायत के वासी हैं, और उसको थाना पे जो कानून भी ऑर्डर नहीं देती है, आदेश नहीं देती है, थाना पर उसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना मारा गया और ऐसा मतलब बेतरीब उसके साथ पेश आया गया, जो वो लड़का जो है कानूनी बर्बरता के कारण कोमा में चला गया। किसी भी व्यक्ति को सजा देने के लिए न्यायालय बना हुआ है, न्यायतांत्रिक व्यवस्था है, जज है, कोर्ट है, वकील है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कानून है, कानून से बढ़कर शासन प्रशासन नहीं हुआ है। लेकिन ये देख रहे हैं जो भ्रष्टाचार और ये जो है सो मतलब मुख्य बाधिता कहा जाए और प्रशासन का जो है सो जबरदस्ती किया जाए, जोर जुल्म कहा जाए, तो बोला जाता है जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और हम लोग जो है जितना युवा यहाँ पे है, जितना जलजला, जितना भी भीड़ है, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे और जब तक शासन बड़े पदाधिकारी नहीं आएंगे और जब तक इस पे जो है एक्शन नहीं लेंगे हम लोग यहाँ 36 घंटे थाना में रख के टॉर्चर करके मेरा भाई कुछ नहीं किया, सिर्फ आंस का फोटो भी उठाया, सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद मारते मारते मार दिया। सस्पेंड होना चाहिए, हथकड़ी उनको भी लगना चाहिए, मेरे लिए कानून है तो उनके लिए भी कानून है, उनको भी सस्पेंड होना चाहिए, उनको भी हथकड़ी लगना। हमको न्याय चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए इस बात की। हम यही गुहार करते हैं, मेरा भाई को स्थिति देखिए, मारते मारते मार दिया, प्रशासन मुर्दाबाद। 36 घंटा 24 घंटा के अंदर अदालत पेश करने का रहता है, जबरदस्ती रख के इसको टॉर्चर किया, सुबह में गए हैं शनिवार को पकड़ा, रविवार को रखे, सोमवार को सुबह में लिया, तो बोला भाई आपको 250 घंटा मार लगो, अब वही एक दिन में जेल ले गया है, दूसरे दिन हमको बेहोशी हालत में मिला और वही अभी उसी का लाश में पूरा हुआ। इसका इलाज आप लोगों ने कहाँ कहाँ करवा रहा है? सदर आपको ले गया रोसरा, रोसरा से समस्तीपुर, समस्तीपुर से डीएमसीएच। अच्छा, इलाज लेकिन कहीं कुछ
हो नहीं पाया। ये पुलिस प्रशासन की मिली भगत साजिश के तहत मेरा भाई को मार दिया गया है, मेरा भाई को मार दिया गया है। इस घटना में सीधी है जो बिहार के नीतीश कुमार का प्रशासन अफसरशाही, इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था। चार साल पहले कुछ गुंडागर्दी जो इसका जो बिचौलिया है थाना का या कुछ हो, ये किसी का घर में घुसेगा, 12 बरस 15 बरस के लड़के को उठाएगा, उसको मारेगा, पैसा लेगा, उसको जेल में ठेल देगा, और ये वातावरण पूरे प्रदेश में चल रहा है। और सिंधिया की जहां तक सवाल है, ये 17 बरस की उम्र की नाबालिग लड़का ने अपराधी है, एक वायरल हुआ था रिवाल्वर, उसमें इसका माँ या इसका मायर तो बाहर रहता था, इसका कोई रिश्तेदार गया था पानी और खाना लेके, यहाँ के थाना इंचार्ज ने कहा मिलने नहीं देंगे। और जब ये घटना घटा है तो ये जेलर को वहाँ दरभंगा के लोगों ने जो बंधक बनाया, ये रोसरा जेलर को जो बंधक बनाया, जेलर समझा जे कि हमारा अब बहुत बड़ा ये होगा, तो जेलर रोने लगा और जेलर ने कहा जी कि सर 12 बजे रात में रहा है, दिन के बाद थाना पर लाया है, दरोगा चोर के भग गया है, और हमको हम क्या जाने जो ये इसको मार पीट के हमारे यहाँ छोड़ दिया, हमने मारे हम आपको गवाह देंगे। और ये सिंधिया का हर बहू बहन बेटी बच्चे, ये 15 बरस का हत्या हुआ है, हर बहू बेटी बहन को उठा के पुलिस ले जाएगा। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जो सिंधिया को खराब किए हुए हैं, हम तो 61 में चल रहे हैं, मुझे नहीं डर है, लेकिन सिंधिया बचाओ, इज्जत बचाओ, बच्चे बचाओ, देश बचाओ। और गांव बचाओ।